और कई मिसाल हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई बार खत भी लिखा है, भेदभाव करना बंद कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, सभी राज्यों को एक समान समझिए, संघीय ढांचा पर आक्रमण मत कीजिए। पर आप मोदी सरकार को देखें तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कर्नाटका में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, आज तक हिमाचल प्रदेश में जो भयंकर बाढ़ आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं हुआ। तो कई ऐसे मिसाल हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान का पहला अनुच्छेद है, हम एक संघीय ढांचा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप जो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उसके खिलाफ आप भेदभाव करते रहेंगे तो जनता जरूर चुनाव के वक्त आपको सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान गई है कि अगर भरोसे की सरकार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार होना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटी दी है, हमने वादे किए हैं, ये कागजी वादे नहीं है। हमने कर्नाटका के चुनाव में 6 गारंटी दिए और एक ही हफ्ते के अंदर सरकार बनी और एक ही हफ्ते के अंदर सारे के सारे 6 गारंटी लागू हो।